देश में कोरोना संक्रमण के साथ साथ इस साल डेंगू, चिकनगुनिया, मलेरिया और मौसमी बीमारियों ने स्वास्थ्य महकमे की चिंता बढ़ा दी है। मॉनसून के चलते मच्छरों से जनित बीमारियों के केसेस बढ़ रहे हैं। अस्पतालों में मरीजों की कतारें बढ़ने लगी है। जयपुर जिले की अकेले की अगर बात करें तो मॉनसून के बाद जयपुर में अब तक डेंगू के 500 से अधिक मामले सामने आ गए हैं, तो वहीं चिकनगुनिया वायरल बुखार के केस भी अधिक आ रहे हैं। आपको बता दें कि जो मौसमी बीमारी है वो हर बार जिस तरह केस आते हैं जिसमें मुख्यतः डेंगू, मलेरिया, स्वाइन फ्लू, स्कर्व टाइफस के केस हर साल हमारे पास इस मौसम के हिसाब से बढ़ते हैं। इस बार भी डेंगू केस हमारे यहाँ पर लगभग जयपुर में 500 के आसपास निकल चुके हैं अब तक इस साल के अंदर। और जो हमारी टीम जो कोरोना के लिए काम कर रही है सर्वे का, उनको हमने मौसमी बीमारी के सर्वे में लगा दिया है। जो घर घर जाकर लोगों को अवेयर कर रहे हैं कि अपने को क्या क्या सावधानी रखनी है। सप्ताह में एक दिन ड्राई डे बनाने के लिए उन्होंने समझाया जा रहा है, जिस दिन सारे बर्तन खाली सुखा के रखे जाएँ, सारे कूलर वूलर में पानी निकाला जाए जिससे पानी इकट्ठा ना हो। इसके अतिरिक्त जो पानी के पॉट हैं और जो गमले हैं, जो उनके कूलर हैं, उनके अंदर टेमीफोस डाली जा रही है। जो थोड़ा गड्ढे आते हैं उनमें जलाओ तेल डाला जा रहा है जिससे लारा साइड इलेक्ट्रिक